हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई जॉब अपडेट के बारे में, जो कि DRDO की तरफ से निकल कर आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप ITI की हैं, डिप्लोमा की हैं, BE/BTECH ग्रेजुएट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहने वाले हैं। और ये आपको जो वैकेंसी निकल के आ रही है, ये इंटर्नशिप वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है 9,000 पर मंथ इसको मिलने वाला है BE/BTECH ग्रेजुएट के लिए, और ITI डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 पर मंथ मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहने वाले हैं। डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाला है, कोई भी एग्जाम नहीं रहने वाला है, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे होने वाला है ज्वाइनिंग। तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये निकल के आ रही है DRDO की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल 10 वैकेंसी रहने वाली है। स्टाइपेंड जो मिलने वाला है सारे पोस्ट के लिए, सारे ग्रेजुएट्स के लिए 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसी जो रहना 10 रहने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, BE/BTECH ग्रेजुएट हैं या इलेक्ट्रिकल से किए हैं, तो इसे 5 और 3 वैकेंसी रहने वाले हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। अगर फर्स्ट क्लास पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहने वाले हैं। और यहाँ देख सकते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की हैं तो टोटल वैकेंसी 15 रहने वाली है। कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो वैकेंसी 17 रहने वाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो 15 वैकेंसी रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं तो आप टोटल वैकेंसी 10 रहने वाली है। सिविल इंजीनियर की हैं तो 3 रहने वाली है। और जो इसका स्टाइपेंड में जो मिलने वाला है तो 8,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला है फ्रेंड। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करने वाला है देख सकते हैं। प्लीज़ रीड द टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। कैंडिडेट मस्ट गेट इनरोल्ड ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल। यहाँ पे पोर्टल मेंशन किया है, जाके यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद से फिर कैंडिडेट नीड टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज अंडर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस ऑफ LRDE ऑन NATS पोर्टल। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस डिसिप्लिन, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट बाई शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट। मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और इसका जो लास्ट डेट अप्लाई करने वाला है 17 मार्च 2024 को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं 17 मार्च से पहले। इंडियन नेशनलिटी, अगर इंडिया से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहने वाला। पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज क्या मांगा है। मिनिमम एज आपको जो रहने वाला है 18 साल रहने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट विल बी अप्लाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। देख सकते हैं 10th मार्कशीट लगने वाला है, और सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज एज अप्लीकेबल। डिप्लोमा और डिग्री का जो सर्टिफिकेट रहेगा, प्रोविजनल डिग्री रहेगा और डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहेगा, वो लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर पास होना चाहिए, PWD अगर अप्लीकेबल हैं तो PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अप्लीकेबल हैं EWS के लिए तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटो ID कार्ड होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू हो, लाइक आधार कार्ड। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस एज पर द फॉर्मेट इनक्लोज। तो यहाँ बता सकते हैं, नीचे मेंशन किया है फिजिकल फॉर्मेट दिया है, क्या क्या फिजिकल में मांगा है फिटनेस में, उसके बाद से इसका भी एक कॉपी लगेगा। तो उसमें भी आप ये भी अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये देखते हैं जो अगला जो निकल गया ITI ग्रेजुएट के लिए। देख सकते हैं जो ITI अगर टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग के निकल के आ रही है, अगर ITI की है मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर असिस्टेंट CUPA, मैकेनिक मोटर व्हीकल से किए हैं, तो इसमें सारे देख सकते हैं वैकेंसी। यहाँ पर टोटल वैकेंसी मेंशन किया कौन से फील्ड में कितना रहने वाला है। और इसका जो स्टाइपेंड रहने वाला है 7,000 पर मंथ रहने वाला है। इसके में देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, www.apprenticeshipindia.gov.in। इसका भी लास्ट जो रहने वाला 17 मार्च रहने वाला है। इंडिया के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहने वाले। मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया है कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा, पढ़ सकते हैं, उसका अप्लाई कर सकते हैं।
और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसे डेली नई जॉब अपडेट आपके लिए कराते रहते हैं। थैंक यू।